दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन आंसर्स, जो कि परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, 35 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। प्यारे दोस्तों, वानखेड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाराबाती स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, बाराबाती स्टेडियम ये कटक शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम किस शहर में स्थित है? देखिए, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज अगरतला, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा कोलकाता, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, माधव राय सिंधिया स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है राजकोट में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा हैदराबाद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडीएफ है, अगर आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके सामने है, और हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर के पेमेंट कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर वो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ पर क्लिक करके 150 रुपीज़ पेड करके भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मास्टर पीडीएफ में दोस्तों सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 6ठा क्वेश्चन है, सरदार पटेल स्टेडियम जो जिसका नया नाम है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है सूरत में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, 6ठे क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, शेर ए कश्मीर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, शेर ए कश्मीर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा श्रीनगर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? देखिए, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मुंबई में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है राउरकेला में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 11वां क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, अपने भाई बहन दोस्त जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन तक भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आपको प्लेलिस्ट से पढ़ना है तो मैंने सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा रायपुर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है पुणे में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिरसा मुंडा स्टेडियम किस शहर में स्थित है?
दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा रांची, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा पणजी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। मौलाना आजाद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मौलाना आजाद स्टेडियम दोस्तों श्रीनगर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिदंबरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है, जिसको चेपाक स्टेडियम भी कहा जाता है? तो ये स्थित है दोस्तों चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका स्टेडियम जिसको दोस्तों बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है, किस शहर में स्थित है? तो भूपेन हजारिका स्टेडियम दोस्तों गुवाहाटी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 19वां क्वेश्चन है, इकाना स्टेडियम जिसका नया नाम है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इकाना स्टेडियम दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज जालंधर में है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 है, साल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? देखिए साल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में स्थित है दोस्तों? राइट आंसर इज कोलकाता, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 23वां क्वेश्चन है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बरकतुल्ला खान स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कानपुर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एकलव्य स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों एकलव्य स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज आगरा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये स्थित है दोस्तों नागपुर में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम किस शहर में स्थित है?
तो राइट आंसर रहेगा नोएडा में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 29वां क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज ग्वालियर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर में स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 30वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 31वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 31वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इज जयपुर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मुंबई में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये 33 क्वेश्चन थे, इनमें से आप लोगों ने कितने सही किए हैं जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मौलाना आज़ाद स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फटाफट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का भी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिए, उसके बाद में आपको यहाँ से कई PDF मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको 6000 क्वेश्चन आंसर्स की मास्टर PDF लेनी है तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है अभी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना 8006016626। उसके बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट कर देना 150 रुपीज़ का। फिर आपको व्हाट्सअप पर ही दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अगर किसी को डायरेक्टली ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप 150 रुपीज़ पेड कर सकते हैं और डायरेक्टली PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।